सो गाइस, ये है बद्रीनाथ का मेन टेंपल है। आज काफ़ी ज़्यादा रश हो रही है। एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि इतनी ज़्यादा रश होगी, पर आज ज़्यादा रश है। 2-3 किलोमीटर की लाइन है और कभी से वेट कर रहे तरुण एक्चुअली लाइन में लगा, पर जितना हो सके उतना वीडियो शूट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। खड़े रहने भी नहीं हो रहा है, तो देखते हैं कितना होता है शूट। आप लोग को जितना हो सके उतना दिखाऊँगा। सो गाइज, आपको ये जो नेचुरल ब्रिज दिख रहा है इसी को भीम पुल बोलते हैं, मतलब जो भीम जी ने रखा। सो गाइज, बद्रीनाथ के दर्शन के बाद हम लोग अभी माना विलेज में आए, जो अपने इंडिया का लास्ट विलेज है। ये उत्तराखंड सरकार की। सो गाइज, अपने इंडिया की लास्ट चाय की दुकान है, इसके आगे इंडिया ख़त्म। क्या बोलते हैं, यहाँ से चले जाए चाइना? काश ऐसा होता है यार, बिना वीज़ा के जा सकते तो मज़ा आ जाता। ब्रिज है ये, उस टाइम पे बनाया था ताकि ये विलेज को कनेक्ट किया जाए इस साइड में। आप देख सकते हैं पूरा नेचुरली फॉर्म का पत्थर है एक बहुत बड़ा, जो उन्होंने उठा के रखा था। तब तक कुंड के इधर नहाने के लिए भी काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। यह मंदिर अलकनंदा के तट पर बना हुआ है। बद्रीनाथ के मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि यह मंदिर उत्तर भारत में बसा हुआ है, मगर इसकी पूजा अर्चना दक्षिण भारत के ब्राह्मण करते हैं। यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा 9 सेंचुरी में बनाया गया था। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होने के कारण मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी। बार करने का
बद्रीनाथ के दर्शन के बाद हम लोग अभी माना विलेज में आए, जो अपने इंडिया का लास्ट विलेज है। अभी हम लोग को दिखा देते हैं। अगर गाइस आप लोग को उलन के कपड़े लेने, तो ये बेस्ट प्लेस है आपको और सबसे कम दाम में मिलेंगे। माना गांव अपने उलन कपड़े चादर के लिए दुनिया में प्रचलित है। माना गांव को टूरिस्ट अट्रैक्शन भी माना जाता है। माना गांव इंडिया का लास्ट विलेज होने के साथ ही साथ इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर भी है। माना गांव सरस्वती नदी के पास में बसा हुआ है। माना गांव के रहवासी बोलियास और मोगल ट्राइब्स के लोग हैं। तो गाइस आप लोग जैसे आ गया होगा, आपको एक बोर्ड मिलेगा ऐसा। तो हम लोग पहले व्यास गुफा, गणेश गुफा के तरफ जा रहे हैं। उसके बाद केशव प्रयाग है, सरस्वती धाम है और भीम पुल है, तो उसके अंदर बाद में जाएंगे। देखो ये तो गाइस पहले लगा है गणेश गुफा, यहाँ पे महाभारत लिखी गई थी ऐसा लिखा गया है। सो गाइस माना गांव आता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर के करीब। यहाँ से 45 किलोमीटर्स पे चाइना चालू हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ आर्मी वालों को जाने का परमिशन है और ये लास्ट विलेज है। जैसे जैसे विलेज को हम लोग घूमते और पीसफुल लग रहा है, मज़ा आ रहा है। सो गाइस अपने इंडिया की लास्ट चाय की दुकान है, इसके आगे इंडिया खत्म। क्या बोलते हैं, यहाँ से चले जाए चाइना। काश ऐसा होता है यार, बिना वीजा के जा सकते तो मज़ा आ जाता। अभी यहाँ पे देखो लोगों ने तो पूरे दुकान के ऊपर कब्जा करके रखा है फोटो वगैरह निकालने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे यार, अलग ही वाइब है। थोड़ा गला बैठ गया है यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, कैसी लगा आपको यहाँ? ऐसे मानते हैं कि ये जो गुफा है, यहाँ पे व्यास जी ने जो वेद है उनके चार भाग किए थे। तो सब आप एक मिनट, आपको अगर डिटेल में चाहिए तो पूरा पढ़िए धीरे से। सो गाइस अभी हम लोग व्यास पोती से निकल गए, भीम पुल के इधर जा रहे हैं, मतलब भीम का कुंड है।
आगे ओके यहीं से बोलते भीमकुंड है कहाँ है शायद वो नदी में है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। महाभारत के काल में पांडवों ने अपना शरीर त्याग यहीं पे किया था। माना जाता है कि यहीं से उनको स्वर्ग का रास्ता मिला था। उस समय के भीम द्वारा रखा गया पत्थर अभी भी यहाँ पे मौजूद है। वही पूछना पड़ेगा पंडित जी क्या है ये मानसरोवर क्या है वो मानसरोवर मानसरोवर दोस्तों ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है जो तो सामने देख सकते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। सरस्वती माँ का मंदिर है यहाँ पे व्यास जी बैठे जिन्होंने सब लिखा था अक्षर में हनुमान जी है सामने तो गाइस आपको ये जो नेचुरल ब्रिज दिख रहा है इसी को भीम पुल बोलते हैं। मतलब जो भीम जी ने रखा था ये जो नेचुरल ब्रिज है ये उस टाइम पे बनाया था ताकि ये विलेज को कनेक्ट किया जाए इस साइड में। आप देख सकते हैं पूरा नेचुरली फॉर्म का पत्थर है एक बहुत बड़ा जो उन्होंने उठा के रखा था उस टाइम। तो ऑलमोस्ट हम लोग का पूरा विलेज एक्सप्लोर करके हो चुका है। यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। और कोई जगह रहेगी तो आप लोग को दिखाने की कोशिश करते। फिलहाल तो अभी इतना ही है। अब माना विलेज से जैसे आप भीम पुल से लेफ्ट लोगे जो भीम पुल का रास्ता जाता है पहाड़ों की तरफ वो रास्ते को फॉलो करेंगे 5 किलोमीटर के बाद वसुंधरा फॉल्स आता है जिसको अगर आपको ट्रेक करना है तो ऑलमोस्ट आपको एक 5-6 घंटे तो चाहिए क्योंकि पहाड़ी ट्रेक के टाइम तो लगता ही है। देखते हैं यहाँ से वो फॉल दिखता है क्या और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता सकते तो बताएंगे नहीं तो ये वीडियो यहीं पर एंड कर देंगे।